करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन महिला के लिए बहुत ही खास होता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस बार ये व्रत 1 नवंबर 2023 को रखा जाएगा। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय होने के साथ प्रारंभ हो जाता है और चंद्रोदय होने के बाद ही महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। वहीं ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत बिना कथा सुने अधूरी मानी जाती है, इसलिए करवा चौथ के दिन अगर आप व्रत कर रहे हैं तो कथा जरूर सुने। तो चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में करवा चौथ के व्रत की कथा क्या है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के साथ ही उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का व्रत है और वो खाना चंद्रमा को अर्घ देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी और वो दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभी से भी कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल ले। लेकिन भाभियों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की तुराई समझ नहीं आई और उसे देखकर उसकी बहन करवा ने चांद को अर्घ दिया, उसके बाद निवाला खा लिया। जैसे ही वो पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालते ही तभी उसके पति की मृत्यु की खबर मिलती है। वो बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर करवा निश्चय करती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने अस्तित्व से उन्हें पूर्व जीवन दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर वो अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रहती है और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रहती है। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया। शाम को सुहागिन महिलाओं से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पियसु दे दो, मुझे अपनी जैसी सुहागिन बना दो, जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो जाता है। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी, वैसे ही सभी की सुने, सभी का सुहाग अमर हो। तो अगर आप भी करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं तो ये कथा जरूर सुने। फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।